सब्सक्राइब कीजिए मार्ग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मार्ग ईआरपी ट्यूटोरियल, जिसमें आज हम परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन करना सीखेंगे। बेसिकली ये एक वाउचर टाइप होता है जो पार्टी या कस्टमर के लिए रेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिटर्न गुड्स टू आर एफ मेरिकोज वर्थ ₹15,000 ऑन 7 May 2019। मतलब आर एफ मेरिकोज को ₹15,000 के गुड्स 7 May 2019 को रिटर्न किए गए हैं। तो आइए अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में इस एग्जाम्पल को फॉलो करके हम कैसे वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। जिसके लिए आप अकाउंट्स मेन्यू से वाउचर एंट्री, फिर डेबिट नोट पर आएंगे और यहाँ से डेबिट नोट फील्ड पर क्लिक करेंगे। तो वाउचर एंट्री विंडो ओपन होगी। यहाँ ट्रांजैक्शन डेट मेंशन करेंगे जिस डेट पर हमने गुड्स रिटर्न किए थे, दैट इज 7 May 2019। देन ये लेजर विंडो ओपन होगी। यहाँ से वो पार्टी सिलेक्ट करेंगे जिस पार्टी को गुड्स रिटर्न हुए हैं, दैट इज आर एफ मेरिकोज। इस पर एंटर करते हैं। देन यहाँ डेबिट साइड में अमाउंट मेंशन करेंगे, तो एज पर द एग्जाम्पल 15,000 के गुड्स रिटर्न हुए हैं, तो यहाँ 15,000 फीड करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट विंडो ओपन होगी। अगर आप कोई भी बिल एडजस्ट करना चाहते होंगे, इस ड्रॉप डाउन से एडजस्टमेंट रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे एंड जो वाउचर आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप उसके अगेंस्ट यहाँ मेंशनड बिल्स में किसी बिल को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उस बिल पर स्पेस बार की प्रेस करके उसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन एंटर प्रेस कर देंगे, जिससे सिलेक्टेड बिल इस वाउचर की अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। नहीं तो एस्केप की प्रेस करके इस बिल एडजस्टमेंट विंडो को स्किप कर देंगे। देन यहाँ क्रेडिट साइड पर एंटर करेंगे तो अगेन लेजर विंडो ओपन होगी। यहाँ हम परचेज रिटर्न का लेजर सिलेक्ट करेंगे और इस पर एंटर करेंगे। अगेन एंटर करेंगे तो आपका कर्सर नरेशन फील्ड में स्विच करेगा, जहां आप रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एज पर द रिक्वायरमेंट नरेशन फीड करेंगे, लाइक गुड्स रिटर्न टू आर एफ मेरिकोज वर्थ ₹15,000 या जो भी आप देना चाहें, और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं सिंपली एंटर की प्रेस करके। तो अभी हम नरेशन फीड करते हैं एंड एंटर करते हैं, अगेन एंटर करते हैं एंड इस डिटेल्स विंडो पर एज पर द रिक्वायरमेंट डिटेल्स फिल कर लेंगे, या फिर आप एस्केप की से इस विंडो को स्किप भी कर सकते हैं एंड देन ये विंडो ओपन होगी। अगर आप वाउचर का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो सेव बटन पर क्लिक करके वाउचर को सेव कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो में दिखाए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके आप मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन का वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।